तो ये कस्टमर ये कि खाना खाने से पहले जो गेस्ट आए उनके हाथ धुलवाने जरूरी हैं। ये जो आज की थाली है जिसके अंदर हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का उनका खाना है उसे हम जब चखेंगे टेस्ट करेंगे तो क्या ऐसा होता है कि एक बड़ी थाल में आता है खाना और हर कोई इससे खाता है या सबकी अलग अलग थालियां होती हैं? बैठते थे ऐसे ही लंबे 50 लोग ऐसे बैठेंगे लंबा होगा फिर हाथ धुलाएंगे एक बार फिर एक लड़का आएगा सबके सामने थाली रखेगा इंडिविजुअल थाली इंडिविजुअल तो ये त्रामी नहीं है त्रामी इज फोर पीपल ओके और सिक्स पीपल आल्सो ओके बट दिस इज इंडिविजुअल ईच वन हैज अ प्लेट टू हिमसेल्फ। कश्मीरी खाने को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं क्योंकि आई थिंक कश्मीरी रेस्टोरेंट्स आउट ऑफ कश्मीर बहुत ही कम हैं। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है क्योंकि जो कश्मीरी क्यूजीन है वो बहुत रिच है लेकिन क्योंकि वो बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं सो जगह जगह जहाँ कश्मीरी खाना मिलता है किसी में टमाटर है किसी में प्याज भी डाला हुआ है देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कश्मीरी पंडित एंड द कश्मीरी मुस्लिम फूड। कश्मीरी पंडित लोगों ने घर में ही खाना बनाया है दे नेवर केम आउट एंड सोल्ड इट। कश्मीरी लोगों की नाक हमेशा ऊंची होती है दे वर एजुकेटेड सो बेसिकली दे नेवर डिड दीज जॉब्स। If I was in Kashmir, maybe people wouldn't appreciate it. Oh. Yes, that was the scene there. वहाँ पे हमने बढ़िया खाने बनाए but within our kitchen. Okay. So जो बाहर खाना मिलता था that was Muslim cuisine. Here when we started, now people are aware, oh, हम घर में जो बना रहे वो तो कुछ और ही है Because now the next generation is here who's coming to eat with us. Right. So they have no idea. उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ऑथेंटिक दमालो अनलेस द मदर इज कुकिंग एट होम। वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से मोस्ट ऑफ इंडियन फूड इज बेस्ट मेड एट होम। और इस थाली के अंदर अगर मैं देखूं तो पांच चीजें इसमें नॉन वेज हैं और पांचों के पांचों मीट है। इज देयर अ रीजन फॉर दैट? दिस इज व्हाट वी ईट। सी वी वुड नॉट सर्व फिश इन थाली एंड वी डोंट सर्व चिकन बिकॉज़ चिकन इज नॉट अलाउड इन द किचन। ओह इंटरेस्टिंग। सो कहां से शुरुआत करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक प्लेस फॉर योर राइस You just get a little bit and rice. And we eat with hand. और ये ऊपर जो स्पिनच है ये कश्मीरी स्पिनच है हाक है जिसे हाक बोलते हैं हाँ। ये थोड़ी सी पेपरी होती है थोड़ी पंजेंट होती है दंदी जंगल स्पिनच रेड चिलीज आई कैन स्टार्ट विद कमर का और ये सीने का मीट होता है हाँ जी मांस कम होता है लेकिन इसे जब पकाते हैं बहुत क्रिस्पी होता है क्योंकि मसालों के साथ दूध के साथ इसे उबाला जाता है सो इसके अंदर एक अंदर जूसीनेस बहुत है और बाहर से बिल्कुल करारा होता है इट्स अ प्ले ऑफ टेक्सचर्स एक्चुअली Yes, exactly. As a chhati is for kabarga, and the thicker part of chhati can be used for kalya, which is fat. Rogojosh piece must have a bone in it. Ah. So those kind of, like what you have there, this is a perfect meat for rogojosh. Mostly, wherever there are Kashmiri pandits living, they have taught these guys how to cut. Yeh hai kofta. Mats, we call it Kashmiri. Mutton is beautifully ground. The beauty is that jo kofta hai, bilkul bhi dry nahi hai. Ek achha kofta banane ke liye do cheeze bahut zaruri hai. गुड क्वालिटी मीट और दूसरा उसे ढंग से कीमा किया हो दैट स्प्रिंग लाइक टेक्सचर वो एक सीजन्ड कश्मीरी वाजा ही निकाल सकता है मेरे मुंह में वो मोटी इलायची का दाना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सटल क्रैक एंड दैट रिलीज ऑफ दैट ब्यूटीफुल फ्लेवर अलोंग विद वीट वाज डिवाइन और ये क्या है ये रायता लग रहा है कॉल इट मुजचेटिन एंड इट्स वेरी फेमस विद द मासेस हियर वी मेक इट यू नो होल डे बिकॉज़ Everybody loves it. It's grated mooli. Yeah, with yogurt. I think mooli jitni zyada pungent hogi, utni ye chutney mazedar hogi. Oily dishes ke baad halka khatta dahi, thoda sa sharp mooli actually cleans your palate. It's very important on this thali. So kya itna non-veg ya jis tarike ka style of cooking hai, it's because of the weather conditions hai? The road will be blocked for at least 4 months, 5 months, 6 months. Because of snow. Snow. So this was locally available. The nadru, you have to eat it this way. You don't break it in between. You don't break it. You break it, then you will get all. Break karte hain, to uske andar jo uska fiber hai. Fiber hai, wo nikalta hai. Nikalta hai and it starts floating in front of you and you're like, what's happening? Ye kaun sa mutton hai? Kaliya. Kaliya, kaliya. Jiske andar mujhe dikh raha hai ke shayad haldi hai, namak hai aur mamooli se kuch spices hain. Yes. प्याज नहीं है अदरक नहीं है लहसुन नहीं है क्रीम नहीं है बटर नहीं है टमाटर नहीं है येट The flavor of mutton is so strong. If somebody knows how to make real kalya, na, then that is a true chef. Kalya banana is an art. Sabko nahi aata. Sabko nahi aata. Ye kya hai? Khatte bag. This is exciting. Kyunki mujhe mustard ka strong flavor aa raha hai. Shakal se lag raha tha bahut khatarnak lal. But very subtle, and I can taste baingan
और साथ में वो खट्टास इमली की. बिकॉज जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स आर देयर प्लस अ पिंच ऑफ जिंजर पाउडर दैट मेक्स इट लिटिल बिट यू नो स्ट्रॉन्ग यू कैन से समवेयर. ऑल्सो हमारी डिशेज है मटन की, हाँ जी, उसके अंदर मसाला या ग्रेवी बहुत ही मामूली है. हाँ जी. ऑयल है विच इज कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ दैट डिश एंड द फ्लेवर ऑफ ऑल द स्पाइसेस. और जो मटन के पीसेस हैं उनके अंदर एंड इवन पनीर के अंदर अंदर तक मसाला रिसा हुआ. सो ग्रेवी नहीं है, मटन का पीस ही इतना सकलेंट है और फ्लेवरफुल है कि आप सादे चावल के साथ आराम से खा सकते हैं. दिस इज हाउ इट्स सर्व्ड. द पर्सन विल सर्व इट, पुट इट ऑन योर साइड एंड देन द अनदर पर्सन विल कम, ही विल ब्रिंग रोगन जोश इन अ बिग थाली एंड पुट इट ऑन द साइड. सो means that this is flavorful, you don't need to. Then on the bed of rice, one person will come with a pot, mitti ka pot, and then put this kaliya bed of rice. So iska gravy hai, uska flavor hai, aapko alag alag milta hai. Very good. Aur ye hai liver. Ye liver hai. Kaleji. Kaleji jo khatti banti hai. Same as baingan, khatte baingan. But here the ingredient is that it is kaafi khatti hai. Almost like a pickle. See, I'll tell you one thing. When we do vegetarian thali, we have khatte baingan. So the replica is created here with liver. We have kaliya, and then they will have paneer kaliya. We have rogan josh. The vegetarian thali will have paneer rogan josh. We have mutton yakhni. Here, vegetarian will have nadar yakhni. So the sort of, you can say, replica is created with vegetarian. So, is thali ke andar kahin par bhi mujhe meetha nazar nahi aa raha. Meetha kya baad mein aata hai? ट्रेडिशनली मीठा है नहीं थाली, क्योंकि थाली इतनी भरी हुई है इसके बाद कोई जगह ही नहीं रहती मीठे के लिए. आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज डिशेज दैट आई हैव टेस्टेड, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मुझे एक एक डिश बहुत पसंद आई. सच अ ब्यूटीफुल मील एंड आई कांट थैंक यू एनाफ. वी एंजॉयड हैविंग मील विद यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.